हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मी चैनल। सो आज इस वीडियो पे आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन सीरीज़। हम ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने किया था, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 4 digit times 2 digit। मैंने ऑलरेडी 2 digit times 2 digit 3 digit times 2 digit ये सारे प्रॉब्लम हम कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो पे हम देखेंगे 4 digit times 2 digit। तो पहला हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जैसे कन्वेंशनल मेथड में हम कैसे करते हैं उसको समझेंगे, फिर एग्जांपल्स लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ 4 digit times 2 digit। सो मतलब मल्टीप्लायर 4 digit से, मल्टीप्लिकेंट 2 digit से। तो कैसे करते हैं हमें, पहला हम वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई, बी वाई, सी वाई, डी वाई। तो फिर बाद में हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स, डी एक्स। ए एक्स, ए एक्स और डी वाई तो हमें स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, बाकी जो भी वैल्यूज है हमें क्रिस क्रॉस करना है। तो सिर्फ यहाँ पे हमें और एक क्रिस क्रॉस बढ़ रहा है, उससे कुछ और कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, ठीक है। तो वही काम हमें यहाँ पे करना है। तो हम करेंगे 3 criss-cross 2 straight multiplication, ठीक है। तो उसी कॉम्प्लीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एग्जांपल्स लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो क्रिस क्रॉस कौन से है, पहला वाला है ए वाई प्लस बी एक्स, दूसरा वाला है बी वाई प्लस सी एक्स, तीसरा वाला है सी वाई प्लस डी एक्स, ठीक है। तो अगर 2 straight multiplications और 3 criss-cross करेंगे तो चलिए देखते हैं, एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। तब पहला क्वेश्चन 6,336 times 42। तो हमें क्या करना होगा, पहला स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन, 6 4 are 24 और 6 2 are 12। नेक्स्ट हमें 3 criss-cross करना होगा। तो पहला criss-cross मैंने पहला स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन वैल्यूज लिख दिया था और बच्चे 3 criss-cross यहाँ पे करेंगे, 6 2 are 12 and 4 3 are 12। तो अगर मिलाएंगे तो हमें 24 आएगा। नेक्स्ट ये पहला criss-cross है, नेक्स्ट criss-cross में हमें आएगा 3 2 are 6 3 4 are 12, तो 18। नेक्स्ट criss-cross 6 4 are 24 and 3 2 are 6, तो यहाँ पे हमें 30 आ रहा है। तो इसके बाद हमें सेम प्रोसेस करना होगा, बैलेंसिंग करना होगा। 2 यहाँ पे लिख देते, 1 इसको ऐड करेंगे 31 हो जाएगा, फिर 1 यहाँ पे लिखेंगे, 3 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, 1 यहाँ पे लिखेंगे, 2 यहाँ पे ऐड करेंगे 26 हो जाएगा, 6 यहाँ पे लिखेंगे, 2 वहाँ पे ऐड करेंगे, सो 24 plus 2 26। तो ये है हमारा आंसर, 266,112, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 7 are 42। नेक्स्ट स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन से हमें आएगा 24, ठीक है। नेक्स्ट पहले क्रिस क्रॉस टेक्निक से 7 4 are 28 plus 6 8 are 48, तो हमें वैल्यू आएगा 76। नेक्स्ट क्रिस क्रॉस 4 8 are 32 7 5 are 35, तो हमारा वैल्यू है 67। नेक्स्ट 7 3 are 21 plus 8 5 are 40 61। तो अभी हम इसको बैलेंसिंग करेंगे, 4 3 67 plus 6 73, तो फिर से हमें 3 लिखना होगा। तो अभी 7 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो फिर से 3 आएगा, और 8 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो 50 होगा,
तो हमारा आंसर है 503,334। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5742 × 64, 6 5 = 30, 4 2 = 8 है। नेक्स्ट हमें करना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 7 = 42, 5 4 = 20, तो 62 हमारा वैल्यू है। नेक्स्ट 6 4 = 24, 7 4 = 28, तो हम ऐड करेंगे तो 52 आएगा। नेक्स्ट 6 4 4 = 16, 6 2 = 12, तो 28 आएगा। 8 8 4 5 ऐड ना करें 7, नेक्स्ट 6 ऐड करना होगा 36, तो ये है हमारा आंसर। तो हमारा वैल्यू है 367,488। नेक्स्ट हम देखते हैं अगले क्वेश्चन, या 4,362 × 26, तो 4 2 = 8, 6 2 = 12। ठीक है, हाँ, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 6 4 = 24, 3 2 = 6, तो 30 है हमारा आंसर। नेक्स्ट 6 2 = 12, 6 3 = 18, तो हमें ऐड करेंगे तो 30 आएगा। नेक्स्ट 6 6 = 36, 2 2 = 4, ऐड करें तो 40 आएगा। तो अभी हम बैलेंसिंग करेंगे, 2 1, नेक्स्ट 4 3 11, तो हमारा आंसर है 113,412। नेक्स्ट हम देखते हैं अगले क्वेश्चन, 6 4 = 24 है। नेक्स्ट हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, बाद में करेंगे, स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन फिनिश करेंगे। 6 4 = 24 है, 24 + 30 = 54। नेक्स्ट 30 + 36 = 66। नेक्स्ट 36 + 24 = 60। हाँ, अभी हम बैलेंसिंग करेंगे, 4 2, फिर से 2 आएगा, फिर से 1 आएगा और 30 30। हाँ, नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन, 6 7 = 42। नेक्स्ट हमें करना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8 2 = 16। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 6 8 = 48, 7 3 = 21, तो 69। नेक्स्ट 34 × 78, तो 8 3 = 24, 7 4 = 28, तो अगर ऐड करें तो हमें आएगा 52। नेक्स्ट 32 + 14, ऐड करें तो हमें आएगा 46। तो अभी हमें बैलेंसिंग करना होगा, 6 7 6 4 49। तो नेक्स्ट हम करते हैं और थोड़े प्रॉब्लम्स, 8 3 = 24।
नेक्स्ट 6 2 12। नेक्स्ट हमें करना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8 2 16 प्लस 6, 16 प्लस 6 22। नेक्स्ट 4 प्लस 9 13। नेक्स्ट वैल्यू 6 प्लस 18 24। अभी हमें बैलेंसिंग करना होगा 2 5 5, फिर से 1 23, या तो फिर 2 26। तो आंसर है हमारा 263552। तो वीडियो लंबी जा रही है, तो बच्चे जो क्वेश्चन है आप होमवर्क कीजिए। सो आज का क्लास बस यही है, होप आपको सभी प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ आए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। डोंट फॉरगेट, एज इज जस्ट नंबर। हैप्पी लर्निंग।